इंडिया पर यूपी के सीतापुर से बड़ी जानकारी मिल रही है। बताया जा रहा है कि शाम के वक्त एक घर में विस्फोट हुआ जिसमें एक कच्चा मकान पूरी तरह से ढह गया और बताया जाता है हालात इतने भयावह थे कि पुलिस व प्रशासन को शव निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ी। क्या पूरी जानकारी है इसको लेकर हमसे सीधे जुड़ चुके हैं आई इंडिया के अटरिया संवाददाता धर्मेंद्र कुमार जी। तो धर्मेंद्र जी बताएं क्या पूरी जानकारी है। जी सर बिल्कुल, आपको बता दें कि अटरिया थाना क्षेत्र के ग्राम नील गांव में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाना बनाते समय सिलेंडर के फट जाने से एक महिला की मौत हो गई। आपको बता दें कि नीलगांव निवासी राजिया पत्नी कफील उम्र 35 वर्ष शाम को अपने घर में खाना बना रही थी। खाना बनाते हुए सिलेंडर फट गया जिससे कच्ची दीवार सहित पास की कोठी रोवाकर गिर गई। इसमें मौके पर ही राजिया की दबकर मौत हो गई। मौके पर थाना प्रभारी अटरिया रोहित दुबे दलबल सहित पहुंचे। राजिया का शव मिट्टी के दब जाने के कारण मौके पर मौत हो गई। जेसीबी के से खुदाई कर शव को निकाला जा रहा था। थाना प्रभारी रोहित दुबे ने जानकारी दी कि सिलेंडर फट जाने से हादसा हुआ है, राजिया की मौत हुई है, शव को बाहर निकाला जा रहा है, तो का पीएम के लिए पोस्टमार्टम के लिए सीतापुर भेज दिया गया है। बिल्कुल, तो ये बड़ी जानकारी निकल कर इस वक्त इंडिया पर आ रही है। बताया जाता है कि थाना डरिया इलाके के नीलगांव में रजिया जिसकी उम्र 35 बताई जा रही है और के पति का नाम कफील बताया जा रहा है और खाना बनाते वक्त प्रथम दृष्टया ऐसी जानकारी मुझे मिल रही है, खाना बनाते वक्त जो है विस्फोट होता है और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि सूचना पाकर जो पुलिस पहुंचती है और जो है पुलिस व प्रशासन की टीमों को शव निकालने के लिए जेसीबी बुलानी पड़ती है। फिलहाल आपको बता दें मामले में जो थाना प्रभारी स्थानीय हैं उनके द्वारा इस जानकारी दी गई है इस मामले में कि जो एक महिला का शव जिसका नाम रजिया बताया जा रहा है उसको बरामदगी हुई है और अभी पुलिस मौके पर खुदाई कर रही है। मामले में कई तरह की चर्चाएं चल रही हैं वहां पर, लेकिन अभी प्रथम दृष्टया यही बताया जा रहा है कि सिलेंडर फटने से ये धमाका हुआ है और जो है पूरा घर देखते ही देखते ढह जाता है और काफी हड़कंप मच जाता है। और जो है इसके बाद जब मौके पर पुलिस पहुंचती है तो जो है जेसीबी बुलानी पड़ती है और सबको फिलहाल बाहर निकाला गया है और जैसी पुलिस के द्वारा जानकारी मिल रही है सबको पंचायतनामा करके जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। अभी ये जांच का विषय है कि एक्चुअल कारण क्या है विस्फोट के। फिलहाल प्रथम दृष्टया ये बताया जा रहा है कि वहां पर खाना बनाते वक्त जो है सिलेंडर फटने से ऐसा विस्फोट हुआ है। फिलहाल इंडिया इस मामले में अपनी पूरी नजर बनाए हुए है, आगे क्या कुछ निकल कर सामने आता है वह भी हम अपने दर्शकों को सबसे पहले व सबसे सटीक पहुंचाएंगे। तो इन तमाम जानकारियों के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद अमित जी। जी